press the bell icon for all the updates. सत्य और सुशील दोनों अब हो गए हैं एक दूसरे के और जुड़ गए हैं शादी के पवित्र बंधन में। फेरों के बाद सत्य और सुशील जाते हैं मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने। और साथ ही सुशील आशीर्वाद लेने जाते हैं सत्या की दादी का, पर दादी उसे पैर तक छूने नहीं देती। बल्कि लोगों के सामने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए सुशील से कहती है कि पैर नहीं गले लगो। अजमेर आगे हो गए तो वैसे ही आशीर्वाद भी ले जैसे अजमेर देते। अच्छा गले लग मारे। तो देखा आपने, बड़े ही चालाकी से दादी ने अपनी पोता बहू को आशीर्वाद नहीं दिया। अब वक्त था विदा लेने का, लेकिन आप कंफ्यूज हो उससे पहले आपको बता दे कि यहाँ विदाई सुशील की नहीं उनके घर वालों की होगी। क्योंकि शादी तो सत्या के घर पर हुई है तो सुशील की विदाई कैसे होती। तो बस नम आंखों से भावुक होकर सुशील विदा कर रही है अपने घर वालों को। शॉली ये मोमेंट किसी भी लड़की के लिए काफी मुश्किल का समय होता है और खासकर उस लड़की के लिए जिसको कभी माँ के प्यार की एक झलक भी नसीब नहीं हुई हो। लेकिन क्या अब सुशील इस नए घर में एडजस्ट कर पाएगी? क्या सुशील और सत्या की लाइफ न्यूली मैरिड कपल्स की तरह खुशहाल हो पाएगी? वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं सुशील और सत्या की मैरिड लाइफ को लेकर? अपनी लाइक्स और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और 51 शो से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए टेली मसाला।